दूर तक जाऊंगा, जहां भी जाऊंगा कानपुर की खुशबू, कानपुर के लोगों की बातें और आपकी जो अच्छाइयां हैं वो भी बहुत दूर तक जाएंगी। वाह, सुनिएगा, निवेदन करता हूं, दो ही गजल कही है अब तक, दो ही गजल कही है अब तक, दोनों ही का मतला तुम। बहुत अच्छा, दो ही गजल कही है अब तक, दोनों ही का मतला तुम, एक गजल का मक्ता मैं हूं, एक गजल का मक्ता तुम, एक गजल का मक्ता मैं हूं, एक गजल का मक्ता तुम, और सरहद के इस पार मेरा घर। करीम साहब जी, सरहद के इस पार मेरा घर, सरहद के उस पार खड़ी तुम। क्या बात, सरहद के इस पार मेरा घर, सरहद के उस पार खड़ी तुम, एक मुल्क का मसला मैं हूं, एक मुल्क का मसला तुम, एक मुल्क का मसला मैं हूं, एक मुल्क का मसला तुम। और एक शेर कुछ यूं भी देखिए कि मजहब मजहब खेल रहे हैं, मजहब मजहब खेल रहे हैं, इश्क की राहें रोकने वाले, मजहब मजहब खेल रहे हैं इश्क की राहें रोकने वाले, मजहब मजहब खेल रहे हैं इश्क की राहें रोकने वाले, एक कौम का खतरा मैं हूं, एक कौम का खतरा तुम, एक कौम का खतरा मैं हूं, एक कौम का खतरा तुम। और ये शेर बतौर खास मुकेश भैया के, दोनों ने ही प्यार किया था, दोनों ने ही प्यार किया था, दोनों ने ही शादी कर ली अलग अलग। अक्सर ऐसा होता है प्यार, दोनों ने ही प्यार किया था, दोनों ने ही शादी कर ली, एक नजर का गहना मैं हूं, एक नजर में रहना तुम, एक नजर का गहना मैं हूं, एक नजर में रहना तुम। इस मंच का सबसे छोटा हस्ताक्षर हूं, तो अगर आपकी हथेलियों का आपस में मर्दों ताल के साथ स्पर्श मुझे मिलता रहेगा तो मैं यहां से बहुत सारी ऊर्जा लेकर जाऊंगा, और मुझे भी लगेगा कि इस छोटे आप कलीम कैसर साहब को तो खूब सुनते हैं, खूब सुनते रहेंगे, मुकेश भैया को, शंभू भैया को खूब तालियां मिल जाएंगी। मैं सबसे छोटा हस्ताक्षर हूं, अगर मुझे ये तालियां मिलेंगी तो निश्चित तौर पर ये मेरे जीवन की अमूल्य निधि होगी। बहुत आभार आपका, आप तो कविताएं बहुत पढ़े हैं भैया। इस गजल का अंतिम शेर मैं आपके स्नेह आंगन में रख रहा हूं, एक गजल का मक्ता मैं हूं, एक गजल का मक्ता तुम। और ये शेर की, दोनों ने ही प्यार किया था, दोनों ने ही शादी कर ली, दोनों ने ही प्यार किया था, दोनों ने ही शादी कर ली, एक नजर का गहना मैं हूं, एक नजर में रहना तुम। और आपका अगर आदेश हो तो मैं एक छोटा सा गीत पढ़ूं। मेरे तो आदेश नहीं, बाकी लोगों को तक पूछ सर। चलिए मैं अपने इसके पढ़ूं।